नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज व्यूवर्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, चुनाव प्रचार बंद। आज डोर टू डोर प्रत्याशियों ने कैंपेनिंग किया है, लेकिन सबके दिल में एक तरह से धड़कनें तेज है, विश्वास भी है। इस वक्त जोधपुर सूर्य नगरी जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अतुल भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अतुल जी जी, अतुल जी, कैसा माहौल है? ये तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम है जिसके पर्चे आपने देख लिए। इतने दिन जब आपने चुनाव प्रचार किया, लोगों के एक्सप्रेशन से, लोगों के चेहरे से, लोगों के आश्वासन से, वो जो माहौल बना उनसे आपको पता चल गया कि लोगों का रुझान क्या है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या लग रहा है सर? जी, सब आपकी बात ठीक है कि जब लोगों के वन टू वन डिस्कशन करते हैं जी, और एक उनका उनसे व्यक्तिगत रूप से जब वोट मांगते हैं जी, उनकी आंखें और उनके चेहरे का भाव बोल देता है कि वोट किसको देंगे। बिल्कुल, ये ही कहूंगा, इस पूरे चुनाव में सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को आतुर है, और वो सब लोग उनको प्रत्याशी की बात करते हुए बोले, कोई नहीं, प्रत्याशी का इश्यू नहीं है, हमारे लिए प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है। और सभी लोग दिशा में भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सर, मुझे एक बात बताइए, लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा अंतर होता है, विशेष अंतर होता है। लोकसभा देश का चुनाव होता है, विधानसभा प्रदेश का चुनाव होता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक प्रभाव तो रखता है, लेकिन प्रदेश में भी कुछ चेहरे जरूर ऐसे होंगे जिनको देखकर जनता वोट करना चाहते होंगे। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जी, एक स्टेट का चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर हो रहा है। अदरवाइज हर बार प्रदेश के मुद्दे रहते हैं, प्रदेश के मुद्दे रहते हैं। इस बार प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दा तुष्टीकरण, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार जी, और इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-2.5 साल से संघर्षरत है। और नई सहेगा राजस्थान करके अभियान और जन आक्रोश के द्वारा जनता के बीच में ऑलरेडी 1-1.5 साल से आंदोलन चालू थे, और अब ये मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन गए, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा सरकार है, ये मुद्दे हमेशा आते हैं। तो उसके सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का अभियान है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प सिद्धि से गारंटी, जो मोदी की गारंटी है, वो अभियान है, उसके लिए जनता उनको हमेशा पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। और एक ही बात बोल रही है कि जिस मोदी की पार्टी को और मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हमको विधायक का प्रत्याशी कौन है, जैसे लोकसभा में हुआ था वो चीज इस बार विधानसभा में हो रही है। अतुल जी, गहलोत सरकार ने, गहलोत जी ने आचार संहिता लगने से पहले जो राजस्थान के लिए जन योजनाओं की जो स्कीमें लागू कर दी, लोग कहते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है और कांग्रेस टक्कर में आ रही है। उसका जो उन्होंने कांग्रेस की जो गारंटी योजना है और कांग्रेस ने बंदर बांट की थी, उसका मैं कहता हूँ फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की और जो संसाधनों का बंदरबांट किया वो एक वर्ग विशेष के लिए करके छोड़ दिया, और अब जनता उस चीज को समझ चुकी है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल दिए तो किसको मिले, उन्होंने कोई जनऔषधि के कार्यक्रम तो किसको मिले, जो भी उनकी योजना थी उनका पूरा फायदा पुष्टिकरण की बलि चढ़ गया। और हमको तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हम लोगों को जनसभा में हाथ खड़ा करके उठवाते हैं कि किनको इस स्कीम से फायदा हुआ, एक भी हाथ वहां खड़ा नहीं होता है। जब उनको समझ में अब आया है ये चीज कि जो संसाधनों की बंदर बांट हुई थी वो वर्ग विशेष और राजनीति रूप से, और जनता उसके बिल्कुल खिलाफ है, बहुसंख्यक जनता उनके बिल्कुल खिलाफ है। अतुल जी, पिछला चुनाव भी आपने इसी सीट से लड़ा था और बहुत कम अंतर से शायद आप हार गए थे, क्या अंतर देखते हैं पिछले चुनाव में और इस चुनाव में? लोगों की जो प्रतिक्रिया है, लोगों का जो मिजाज है, लोगों की प्रतिक्रिया इतनी है कि लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, भाई साहब जो पिछले चुनाव 5,800 कुछ मतों से आ रहे थे, इस बार ब्याज समेत उसको वसूलेंगे और एक बड़ी विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल जोधपुर शहर विधानसभा में चलेगा और राजस्थान के सबसे बड़े सदन में पहुंचेगा। अतुल जी, कल जनता मुहर लगाने वाली है आपकी विधानसभा सीट से भी कि वो आपका समर्थन कर रही है या आपके विरोधी का कर रही है। आपका मन वाकई में कितना इतना मजबूत है, इतने आत्मविश्वास से बोल पा रहे हैं, या राजनेता की भाषा ही बोली जा रही है? देखो, बिना आत्मविश्वास को कोई आदमी चुनावी रण में उतरता ही नहीं है जी, और
जिसके साथ मोदी जी का आशीर्वाद हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का एक मनोबल और साथ हो, और जोधपुर की 36वीं कौम जिस उम्मीदवार को अब जिताने के लिए लग गई है, मैं तो एक प्रतिनिधि मात्र हूँ और मैं एक सिंगल आदमी होने के नाते मैं कितनी जगह जा सकता हूँ, क्योंकि पूरी जनता जनार्दन यहाँ के कार्यकर्ता सब लोग अपने इसमें स्तर पर अतुल भंसाली बनकर लोगों के पास पहुँच कर समर्थन मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतिहास के अंदर एक विधायक प्रतिनिधि को जो वोट मिलते हैं जोधपुर विधानसभा में, इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो आप अपनी सीट से कितनी बड़ी लीड की उम्मीद कर रहे हैं, वो विश्वास कितना है, कांटे की टक्कर महसूस कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ पर आपकी विधानसभा से कांटे की टक्कर महसूस कर रहे हैं, उसमें निकलेंगे या बहुत आरामदायक सफर तय कर लेंगे? ऐसा है, सफर तो हमेशा कठिन ही होता है जी, पर विजय बड़ी होगी। और लोकसभा के अंदर जोधपुर विधानसभा में जो विजय प्राप्त की थी जितने मतों की, उससे अधिक मतों की विजय हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, आपने अब विधानसभा सीट में वो आंकड़ा आप याद कर रहे हैं जो लोकसभा में आप लोग जिस आंकड़े को लीड किए थे, आपको लगता है कि आप उस लीड को क्रॉस करेंगे तब तो ये जीत बिल्कुल उत्सव मनाने वाली हो सकती है, अगर आप उस लीड को क्रॉस कर पाते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कल जोधपुर की जनता, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता भी ये तय करने वाली है कि वो सेहरा किसके सर पर बांधेगी। कोई मैसेज अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को अगर आप देना चाहें, जो बात आप अब तक नहीं कह पाए हैं, हो सकता है कई बातें छूट जाती है, वो बात आपको मौका है, अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। मेरा एक ही निवेदन है जोधपुर की जनता से कि 100% मतदान की तरफ जोधपुर को लेके जाएं, क्योंकि जोधपुर एक शिक्षित, जोधपुर विधानसभा पूरी लिटरेट विधानसभा है, शिक्षित विधानसभा है जी। और शिक्षित और लिटरेट आदमी अगर मतदाता अगर अपनी 100% वोट की कास्टिंग करेंगे तो पूरे भारत के अंदर इसका एक मैसेज जाएगा कि पढ़े लिखे लोग भी वोट देना सीख गए। अभी तक ये एक मैसेज है कि जोधपुर शहरी क्षेत्र इंडिया के अंदर जितने भी है वहाँ मतदान कम होता है। मैं समझता हूँ इस विधानसभा से जोधपुर शहर एक बहुत पढ़ा लिखा शहर है, वो अगर इस तरह का मतदान करेगा तो पूरे भारत के अंदर एक मैसेज जाएगा और आने वाले चुनाव में सबको एक लगेगा कि नहीं, हमको वोट डालना और मत डालना जरूरी है, वो मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग करना जरूरी है। क्या बात है, आपने मतदान की अपील की है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना अधिक मतदान होगा उतना ही अधिक भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, ये आप बिल्कुल इस बात को जान रहे हैं, इसलिए आपने अपने पक्ष की बात नहीं कही, आपने ये कहा है कि सबसे अधिक मतदान हो, रिकॉर्ड मतदान हो, 100% मतदान हो, इसका रिकॉर्ड बने, क्योंकि अगर मतदान हो गया तो फिर आपकी राह भी आसान बन जाएगी, ऐसा आप सोच कर ही ये बोल रहे हैं। तो अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, अब तक बहुत थकान आई होगी, कल तक की आपकी थकान रहेगी, जब चुनाव पूरा हो जाएगा, वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से फिर समीक्षा की रात होगी, अलग अलग बूथ पर कितने वोट पड़े हैं उसकी समीक्षा आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है, बस यही निवेदन है कि अगर जनता जीत का सेहरा आपके सर पर बांधे तो वो जीत जनता के नाम हो जाए और जनता के लिए समर्पण हो जाए। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार, नमस्कार।